वोट देने गए एक वोटर को वोटर लिस्ट में मृत पाया गया। जी हां, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट में आपके साथ मशबा खान, खबर विस्तार से। ये घटना सिलीगुड़ी का है, जहां सिलीगुड़ी में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता को मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया गया। परिषद ने लापरवाही बताई। सिलीगुड़ी में एक मतदाता को मतदान केंद्र पर पता चला कि उसके नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। ये खबर सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 34 के वकमारी वाल्मीकि विद्यापीठ हाई स्कूल के सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार भक्ति नगर के निवासी गोविंद रॉय लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र नंबर 236 पर पहुंचे। हालांकि वोट डालने के लिए करने के बाद रॉय को कतार में इंतजार करने के बाद रॉय को पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, क्योंकि चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार वह मृत है। इस संबंध में रॉय ने सुबह वोट डालने के लिए पहुंचने पर अपने उलझन व्यक्त की, जब उन्हें पता चला कि उन्हें चुनावी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। हालांकि उनके परिवार के सदस्य प्रक्रिया के अनुसार अपना वोट डालने में सक्षम रहे थे। दूसरी ओर वार्ड पार्षद बीमा चंद्र तपदार ने कहा, ये अधिकारियों के ओर से गंभीर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये सब। साथ ही दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा विधायक शिखा चटर्जी को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच भाजपा विधायक ने टीएमसी पर उन्हें बाहरी कहकर संबोधित करने का आरोप लगाया है। हालांकि टीएमसी ने आरोपों का खंडन किया है। रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी ने अवग्राम दक्षिण धनताला के बूथ नंबर 301 पर शिखा चटर्जी को देखकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि एक टीएमसी कार्यकर्ता उक्त बूथ पर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। इस कदम का विधायक शिखा चटर्जी ने विरोध किया था। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर विधायक को घेर लिया और विधायक पर अशांति पैदा करने का आरोप लगाया। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हो गई। इस जानकारी के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।